नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल जिंदगी बचाओ में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों, आज वीडियो में हम देखेंगे आपकी जो कैंटीन कार्ड है उसके बारे में, एक नया अपडेट आया है उसके बारे में जानेंगे। जैसे आपको पता है कि जो आर्मी के सर्विंग पर्सन हो चाहे रिटायर पर्सन हो, उनको जो आर्मी की कैंटीनें होती हैं उनसे सामान लेने के लिए एक स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। उसके बिना ना तो लिक्विड ले सकते हैं, ना ही ग्रोसरी का कोई आइटम, यहाँ तक कि एक बिस्किट भी नहीं ले सकते। तो वो कार्ड सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो अभी तक क्या रूलिंग था कि जो एक्स सर्विस मैन हैं उनको अपना कार्ड हर साल रिन्यू कराना पड़ता था। जैसे पेंशन के लिए बैंक में जो लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है, ऐसे ही कार्ड को भी हर साल रिन्यू कराना पड़ता था, ताकि अगर किसी एक्स सर्विसमैन की किसी कारण मृत्यु हो जाती है एज ज़्यादा होने से, तो उसके कार्ड को कोई दूसरा मिसयूज ना कर पाए। लेकिन अभी सरकार क्या है, इस रूल को चेंज कर रही है, बदल रही है, क्योंकि इसमें काफ़ी हरासमेंट था। बहुत बार ऐसा होता था, आप कैंटीन चले गए, सामान सब ले लिया, बास्केट भर के लाइन में लगे, आपका बहुत देर बाद नंबर आया और जैसे ही कार्ड लगाया आपको पता चला कि आपका कार्ड की डेट एक्सपायर हो चुकी है। फिर आप उसके लिए अलग काउंटर पे जाते हैं, वहाँ लाइन लगाते हैं, तो इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होता था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया है, अभी जो रिन्यू करने का सिस्टम था हर साल, उसको बंद कर दिया है। अभी आपका क्या सिस्टम हो गया है कि आपको हर 10 साल बाद अपना कार्ड नया बनवाना पड़ेगा, नए कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। तो अगली बार जब कैंटीन में आप जाते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखें, अपने कार्ड को चेक करा लें। अगर आपका कार्ड 10 साल या उससे पुराना है तो आपका कार्ड हो सकता है कि बंद हो चुका होगा, इसलिए पहले अपना कार्ड चेक कराएं। और अगर आपका कार्ड चल रहा है तो सामान खरीदें, अगर आपका कार्ड बंद हो गया है तो अपना नया कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। तो अभी एक साथ बहुत सारे जो कार्ड हैं कैंटीन के वो एक्सपायर हो गए हैं, तो इसलिए कार्ड बनने में भी हो सकता है समय लग जाए, क्योंकि जो CIMS का सॉफ्टवेयर है उस पर भी लोड एकदम से बढ़ जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखें। तो ये अपने जितने भी एक्स सर्विसमैन दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनका भी टाइम वेस्ट होने से बच सके। धन्यवाद दोस्तों।